हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 8 की आरडी शर्मा का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल पर जाके मेरा लास्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अब मैं वन शॉट में कहना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या है, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। वो प्लस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -5/7 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और यहाँ +3/7 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में कहा ही क्या है एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, तो ये जो भी नंबर है ये हमारे रैशनल नंबर है। अब इन रैशनल नंबर्स को हमको एड करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या, दोनों में 7 दिया हुआ है, पर हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना ही होगा। जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है तो हमें हमेशा ही डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालना ही होता है। यहाँ पर दोनों में 7 दिया, दोनों का 7 का एलसीएम निकलेगा हमारा 7। अब यहाँ 7 आया है एलसीएम में, तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 × 7 आंसर आया 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 5। प्लस यहाँ पर प्लस करने बोला है तो यहाँ हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक उसी तरह 7 को इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 × 7 1 आंसर आया, 1 × 3 आ गया यहाँ आंसर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 5 में हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × 7। अब यहां पर हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, बड़े डिजिट के सामने माइनस का सिंबल है सो हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -15/4 एंड 7/4। यहां भी डिनोमिनेटर सेम है 4, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 4। ठीक लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने किया था सेम उसी तरह से 4 को इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 × 1 = 4, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 4 को इससे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आंसर आ जाएगा। बच्चों ये सब आपको पहले से आता है इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब माइनस करेंगे तो 15 में 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8/4। अब यहाँ पर बड़े डिजिट के सामने हमारा माइनस का सिंबल लगा है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ये सॉल्व हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, तो हमारा आंसर बना -2। ओके नेक्स्ट क्या है, थर्ड दिया है -8/11 एंड -4/11। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 11, 11 को इससे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 1, -1 -8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, प्लस करना है प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारा आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई इतना करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ओके देन अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो जब ये यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा था तो अब ये हट जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा माइनस, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -8 प्लस माइनस माइनस 4 आया, अब डिनोमिनेटर आएगा 11। यहां पर बच्चों थोड़ा ध्यान देने की बात है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस करेंगे हम, प्लस करने से हमारा आंसर आएगा 12/11। बड़े डिजिट के सामने माइनस लगा हुआ है इसलिए यहां पर माइनस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 6/13 एंड -9/13। यहाँ भी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 13, 13 को इस 13 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 × 6 तो 6 लिखेंगे एंड प्लस, अब यहाँ पे भी पहले से माइनस लिखा हुआ तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 13 इस 13 को इससे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब 6 − 9, 6 से 9 माइनस करने से आएगा 3, अब 3 क्या माइनस का सिंबल आएगा कि बड़े डिजिट के सामने में माइनस है, ये हमारा आंसर है।